अम्मा जल्दी करो। अरे अम्मा सुपारी काटना बंद कीजिए, वो लोग आते ही होंगे। मैं कुछ मत कहो, हमें इन पचड़ों में डालना भी मत, क्योंकि जो हो रहा है वो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा। लगता है गाड़ी आ गई। अम्मा अम्मा गाड़ी आ गई, वो लोग आ गए। चलो अम्मा चलो जल्दी चलो। हम क्या करें, जो आए सो आए, तुम्हें उतारो आरती। देखा जीजू, मैंने कहा था ना इनका रिएक्शन देखना। अरे बाबा बहू मैं नहीं हूँ, बहू तो मेरी दीदी है, श्रीजा दीदी। आइए ना दी, ये दीदी, ये नटखट शैतान लड़की ना मेरी साली निधि है। Let me guess, आप नीलिमा दी हो ना, जीजू ने बताया था तुम्हें बनाने के लिए हम ही मिले थे। कलश को पैर मारकर गृह प्रवेश करिए। एक मिनट थालियों हो गया सर, घर में कदम रखते ही आग लगा दी, आगे तो ना जाने क्या क्या होगा। अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ, छोटी सी बात थी। दीदी प्रणाम। क्या हुआ, लगता है बुरा मान गई। अब बुरा मानने के लिए बचा ही क्या है। दीदी अम्मा। हाँ ठीक है ठीक है। अम्मा ये श्रीजा है। अम्मा हाँ सुन लिया, बेरी नहीं है हम। प्रणाम अम्मा। क्यों छोरे, दहेज में अपने साथ साली भी लेके आया क्या? करेक्ट अम्मा, आपने वो ऑफर सुना, एक के साथ एक फ्री, बस ऐसा ही है। छोरी हम तो देख भी रहे और सुन भी रहे, तुम सब लोग जो जी में आ रहा है वो कर रहे हो, करते रहो अमरी बना से। अम्मा देख रही है अम्मा ये सब क्या चल रहा है, कह तो रहा था कि भाग के शादी करनी पड़ी, फिर ये साली साथ में कहां से ले आया। बहुत तीखी मिर्ची लग रही है निधि मुझे। कल पे पत्थर पड़ गए हैं तेरे भाई के। बताओ तो घर में बिन ब्याही बड़ी बहन बैठी है, 10 दिन बाद ही पिता की पहली बरसी, और ये नादान नालायक कहीं का बिना बताए ही ब्याह करके छोरी को घर में ले आया। अम्मा मेरी प्यारी अम्मा, देखो मुझे पता है तुम गुस्सा हो, दीदी समझाओ ना अम्मा, जो हो गया सो हो गया ना, अब तो मुस्कुरा दो। अच्छा मैं ये कहने आया था आप दोनों से कि निधि भी यहीं पे रहेगी। क्या है ब्याह के तू किसको लाया, ई को या ऊ को? तो ऊ का ही रहेगी तेरी साली। अम्मा मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि श्रीजा और निधि को इस घर में प्यार और अपनापन मिले, तो प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट है आप दोनों से। साली भी रब,
अरे निधि चलो ना, तुम्हारे बिना कैसे होगा? अरे जीजू, लेकिन मैं क्या करूँ? आपके सुहागरात है, मैं क्या करूँ? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता, अरे काम ऐसा है कि तुम्हारे बिना नहीं चलेगा। अच्छा, आई डोंट नो, यू हैव टू कम बिकॉज आज की रात बहुत इम्पोर्टेंट है। अम्मा, लेकिन इसका क्या मतलब, तुम्हारे बिना नहीं चलेगा? बहुत जरूरी है, आज की रात है। अरे हम रख मुंह ही देखती रहेगी क्या? चल चल के देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। अरे सुन, अंदर कहाँ चल रहा है? सुन क्यों जीजू। अम्मा, अंदर हंसने की आवाज आ रही है सबकी। अरे बट मैं सुनती हूँ। मारे डालोगे क्या? अरे जीजू बस, अरे नहीं बस, हाथ पकड़ो इसका, ऐसे नहीं मानेगी। अरे भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? अब से ना सुना जाता। अरे कलयुग, कलयुग। अम्मा, अंदर चल क्या रहा है? चल उनको, चल। अरे जीजू क्या है बताओ ना, क्या है? क्या? एक्चुअली भाग के शादी करने के चक्कर में तुम्हारे बर्थडे का सेलिब्रेशन तो रह गया, और तुम्हारी सपोर्ट के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए थैंक यू सो मच। क्या जीजू, थैंक्स तो दूसरों को बोलते हैं, अपनों को नहीं। एंड वैसे आई लव बोथ ऑफ यू। और पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ? दोनों घर के डिफरेंसेस सॉल्व करने के लिए, समझे? बचपन से ही तुम्हें लाइव सपोर्ट रही है। अच्छा चलो चलो चलो, केक काटते हैं, केक काटते हैं, ठीक है? पहले ब्लो कर, फिनिश कर। अम्मा आप सो जाओ, पूरी रात पहरा दोगी क्या? जो होना था वो तो हो गया ना, आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? अरे कैसे सोचा है, घर में अनर्थ हो रहा है। अब तो कुछ भी करके साले का टिकट करा के भेज देना है घर से बाहर जल्द से जल्द। लेकिन कभी बदलना मत, ठीक है? अरे बदल के मुझे अपनी श्यामत थोड़ी ना बुलवानी है। चलो चलो। अम्मा, मेरा बेबी चेक करो, मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। अरे चुप करना स्मृति। छोड़ो मुझे, काम पे लग जाओ। ये मंगलसूत्र है पहना। अरे यार कल तो तुम्हें पहनाया था, उतारा क्यों तुमने? नहाने के टाइम निकालना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, भरोसा रखो मुझ पे। मुझे मेरा मकसद पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। एक और बात, मुझे बिल्कुल नहीं खाया जाएगा, मेरा पेट बिल्कुल भर गया। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये काम करो, ये मेरी तरफ से तुम खा लो। जीजू, हाय। आपको पता है मैंने स्पेशली आपके लिए जूस बनाया, ये लीजिए। बिल्कुल जगह नहीं है मेरे पेट, सब चाहूं ना यार। जीजू बोले ना, ऐसे कैसे नहीं, आपको पीना पड़ेगा, चलो पियो। ये हुई ना बात। अरे मुझे बहुत बहुत लेट हो रहा है, मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है, ठीक है? मैं चलता हूँ, और तुम दोनों थैंक यू फॉर डबल डबल लव। अरे एक मिनट, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे ना शॉपिंग जाना है, और उसी बहाने हमारी डेट भी हो जाएगी। डेट? हाँ। Well, that sounds interesting. है ना? चलो फिर आप। अम्मा चलता हूँ। हाँ ठीक है, जा, कुछ रहा। चल चल चल, फटाफट। क्या दिलाएगी? देखा अम्मा, अब तो खुलेआम खेल चल रहा है इन लोगों का। देख रही हैं हम इनका खेल, दोनों बहनों को इस घर से बाहर ना कर दिया ना, हम भी तुम्हारी अम्मा नहीं, देख हम क्या करती हैं।
गौरिया फंस गया। हाँ तो तेल लगाते हैं, निकल आएगा। बुरा काहे नहीं लगेगा, हमका भी लगा। इकलौता बेटा अम्मा को बिना बताए बहुरिया ले आए, तो किसी को भी बुरा लगेगा ना। ये लो उतर गया। हमका अभी कौनो राज की ना है। इतनी सुंदर बहुरिया चलाया हमरा बिटुआ। माँ जी आपको पता नहीं, आपके मुंह से ये बातें सुन के मन हल्का हो गया। बहू हमरे यहाँ ना एक रिवाज है, नई बहुरिया घर में कदम रखते ही घर की सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। अब हमरा ही देखो, हम जब ये घर में ब्याह के आई थी तो हमने तो सब नौकरन की छुट्टी कर दी और घर के सारे कामकाज को अपने हाथ में ले लिया। तू कर पाएगी ना ये सब? हाँ माँ जी। खुश रहे मेरी बच्ची। अरे तूने तो हमरा दिल ही जीत लिया। अच्छा तो अबू से ना नौकरन की छुट्टी, घर के सारे काम तू संभाल ले। खुश रहे। भाभी पानी गर्म करने रख दो, नहाने जाना है। हाँ दीदी। बहुरिया। जी माँ जी, कर रही हूं मैं। बिल्ली के बच्चों के लिए दूध रख दे बाहर। हाँ माँ जी आई। कबूतर भूख के मारे गुटर गुटर कर रहे हैं, दाना डाल दो। बहुरिया खाना मिलेगा आज या उपवास रख लूं? हे बहुरिया, अरे ऊपर चाहिए तो सूखे कपड़े भी लेती आती ना, रंग उड़ जाएगा कपड़ों का। जी माँ जी। हाँ चल जा। बहुरिया मिलेगा आज? हाँ माँ जी। एक लड़की जब अपना घर परिवार छोड़कर किसी दूसरे घर में बहू बनकर आती है तो वो हर तरह की कोशिश, हर तरह के एडजस्टमेंट्स करती है ताकि सब खुश रह सके। पर इन एडजस्टमेंट्स की सारी जिम्मेदारी सिर्फ बहू की तो नहीं होनी चाहिए ना, पूरे परिवार का फर्ज होता है कि वो ऐसा माहौल बनाए कि उस लड़की को अपने घर की कमी महसूस ही ना। पर यहां पे जो हो रहा था वो तो मानवीयता के आधार पर सरासर गलत था। किसी को परेशान करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उस पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार करना घरेलू हिंसा का ही हिस्सा है। ऐसी ही घटनाओं से शारीरिक अत्याचार की शुरुआत होती है और हमारे देश का कानून ऐसे अपराध को गैर जमानती करार दे चुका है। लेकिन अफसोस ये समस्या घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। अरे दीदी, दीदी ये सब क्या है और आप ऐसे क्यों बैठे हो? ये क्या हाल बना रखा है आपने आपका? दीदी क्या हुआ मुझे? दीदी आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं कर पाई मैं फेल हो गई। बस चलो मेरे साथ चलो, मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, आज कुछ चीजें मुझे क्लियर करनी है। नहीं, चलो नहीं, I mean,
ए चोरी, क्या हुआ? टीवी क्यों बंद कर दिया? क्या हुआ? हाँ देखिए, मेरी दीदी की हालत देखिए, बहू है इस घर की, कोई नौकरानी नहीं, समझे आप लोग? निधि, ए बस बस, तो मुंह ही ना खोल, मेहमान है ना, मेहमान बन के रहे। ओ प्लीज, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मेरी दीदी को, पर वैसे भी मेरे घर वाले कौन से आप लोगों को पसंद करते हैं? और मैं यहाँ अपनी दीदी के लिए आई हूँ, वो सीधी है, कुछ बोलेंगी नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, और मैं ना चुप नहीं बैठूंगी। क्यों, क्या हुआ, क्या जुल्म कर दिया तेरी जीजी पे? क्या कर दिया? घर के सारे नौकरों को आपने छुट्टी कर दी, हाँ, और मेरी बहन को नौकरानी बना दिया। हाँ, तुम दोनों हो जो बहने, छाती पे मूंग दलने को। अरे अपने घर की बहू से हम काम नहीं कराएंगे क्या? हाँ, पूछो पूछो अपनी जीजी से, ये बोली थी कि नहीं, खुद बोली थी कि हम इस घर के काम को संभाल लेंगे, क्यों भाई? हाँ, अरे हमरे जमाने में तो चूल्हा फूक फूक के खाना बनाती थी हम, हमरी सास हमसे आटा चक्की पिसवाती थी, खाट पे जाके कपड़े धोने पड़ते थे, और आजकल, अरे आजकल तो सब कुछ है, हा? गैस चूल्हा है किचन में, वॉशिंग मशीन है, बताओ तो, सारी सुविधाएं होते हुए भी काम करने के नाम पे इनकी नानी मर जाती है, जुलम लगता है हर बात में। अरे 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 क्या करेंगे, बताओ तो, 10 दिन के बाद शैलेश के पिताजी की बरसी है, 10 ब्राह्मणों को आना है भोजन करने, इससे तो कोई उम्मीद ना है। अरे माफ कर दो देवी जी, माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, हम तुम पे जुलम ना करेंगी, कोई काम ना कराएंगी। अच्छी आग लगाई है बहुत तूने। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहन का कहने का वो मतलब नहीं था माँ जी। मतलब तो डराने का था ना भाभी, हम समझ गए, आपका कहने का मतलब ये है अम्मा जी ने आपको रुला दिया, इतने देर से ये नहीं दिखाई दे रहा आपको कि आपकी बहन अम्मा जी से इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, उसको तो आप कुछ नहीं कह रही है। क्या क्या बदतमीजी की मैंने? मैंने सिर्फ सच कहा है, समझी? दीदी रहने दे। ए छोरी, तू तो बात ही मत कर, क्या क्या छुप छुप के करती है हमें सब मालूम है। मतलब छुप छुप के क्या, आप कहना क्या चाहती है, मुंह खोलिए ना। चुप कर, एक और शब्द नहीं, माफी मांग। मैं नहीं मांगूंगी माफी। मांग क्यों, क्यों मांगू मैं माफी? माफी मांग, बड़े हैं हमसे और ये हमारा परिवार है, चुपचाप माफी मांग। तुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और आज से घर का सारा काम मैं कर लूं। नहीं दीदी, मैं नहीं, हम करेंगे, मेरे होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए दीदी। तकलीफ नहीं होगी। अम्मा जी, आपकी बहू तो अपनी असिस्टेंट साथ लेके आई है, वो भी तितली की तरह फड़फड़ाती रहती है। तो फड़फड़ाने देना, इन दोनों उड़ती तितलियों के पर कैसे काटने हैं ये हम भली भांति जानती है। दीदी आपने जो भी किया ना वो बहुत गलत किया है। अब क्या करूं, परिवार है मेरा, इन्हीं के साथ जिंदगी बितानी है मुझे। अब समझ क्यों नहीं रही है, वो लोग गलत है, उनके इरादे कोई ठीक नहीं है, वो हम लोगों को उनके परिवार का हिस्सा नहीं समझते। मेरी बात याद रखना, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप नहीं समझेंगे। आगे बढ़ाएगा कतई नहीं। अम्मा दो दो है, आपका वंश तो बहुत आगे बढ़ेगा। अरे चुप कर रास पीटी। अरे अम्मा
मेरा मतलब ये है कि आपको पोता चाहिए। शैलेश तो सपूतों की लाइन लगा देगा, आपको चुनना पड़ेगा। अगर भाभी का हुआ तो भी आपका पोता, और साली का हुआ तो भी आपका पोता। ये बेशर्म, कैसी बेशर्मी की बातें कर रही है तू? अरे मेरा इकलौता सपूत जाने कहां आके फंस गया। जादू करनी है दोनों बहने, जादू करनी है। कहां जाएगी मेरे बेटे को? I just hope कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। In fact मुझे यकीन है। मुझे भी यकीन है। नहीं जीजू, कुछ तो गड़बड़ है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, दीदी की हालत कैसी हो गई है? सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। और दीदी अगर ठीक नहीं हो ना, तो तुम्हारी सासू माँ और नीलिमा दीदी को ना ऐसे उड़ा दूंगी। तुम तो एक काम करना, तू ना मुझे भी उड़ा देना। अरे जीजू, मेरा निशाना तो आपके ऊपर पहले से था, लेकिन क्या करे, आप है कि इशारा ही नहीं समझते। अम्मा बीपी बढ़ता जा रहा है। अम्मा अम्मा बीपी नॉर्मल हो रहा है। अम्मा का बीपी कैसे कम करना है पता है मुझे। चल अम्मा मान जाओ ना। अब याद आ रही है अम्मा की? अम्मा क्यों अपनी तबीयत खराब करती हो? मुझे पता है ना, हमारी जान बचती है तुम में, तेरी फिक्र रहती है हमको। अरे अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बस एक छोटी सी शिकायत है मुझे तुमसे। अम्मा श्रीजा और निधि अब इस परिवार का हिस्सा है, तुम क्यों मेरा गुस्सा उन पर निकालती रहती हो? ये तो गलत बात है ना। दुश्मन है तू हमरा। अरे माँ के द्वारे आके भी वो जादूगरनियों की चापलूसी कर रहा है। अरे अम्मा मैं किसी की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। ना बिटवा ना, तुम्हारा कोई कसूर ना है। अरे बीवी के आते ही माँ में सब कमियां ही नजर आने लगती है, ये तो जमाने का दस्तूर है। अम्मा कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? ना कछु ना समझा तू हमका, कछु ना। एक काम कर, जा उन जादूगरनियों के पास जा और उनकी चापलूसी कर, कर गुलामी। अरे बेशरम, वापिस मुड़ के मत आइयो। अम्मा ये क्या किया आपने? अब ऐसा ही करती रहेंगी ना तो शैलेश घर छोड़ के चला जाएगा। अरे हमने अभी कछु किया ही ना है। कसम है, अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। खाना बनाना है, पानी गरम करना है, पता नहीं टाइम पे सब कैसे करूंगी। दीदी क्या अब कितना टेंशन लोगी? मैं हूं ना, अब जाओ पानी गरम करो। चलो जाओ 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 फटाफट। हाँ मैं कर लूंगी, जाओ। अपार कृपा है कि बच्ची को होश आ गया, मरते मरते बची है हमारी बहुरिया। हाँ माँ, वरना कुछ भी और हो सकता था। नहीं माँ जी, छोटी सी बात है, ये एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता था। तुम आराम करो, ख्याल रखो हाँ बच्ची का। चल चल अच्छा हम चलते हैं। शैलेश भाभी का ख्याल रखना। दीदी मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा और ये एक्सीडेंट नहीं है।
निधि छोड़ना। निधि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अरे ऐसे कैसे, नौकर की भी छुट्टी कर दी और पानी गर्म करने के लिए अम्मा ने कहा था ना। निधि इट वॉज एन एक्सीडेंट। नहीं ये एक्सीडेंट नहीं है चीचू, प्लीज बिलीव मी, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। गीजर चाहिए? अरे बाप रे बाप, आज तक तेरी अम्मा बुढ़ा गई और उसके लिए तो गीजर लाने की तुझे सूझी ना। हाँ चार दिन ब्याह के क्या हुए, बीबी को 84 तकलीफ हुई और गीजर चाहिए तो कोई बात ना, तू अपना बैट बल्ला बेच दे और ले आ गीजर। अम्मा क्या बोल रही हो, ये पट्टी तेरी बीवी ने पढ़ाई है ना तुझे, तो कर उसके बाप को फोन और कह दे कि गीजर रख दे घर में महारानी के लिए। अम्मा पता नहीं बात को कहां से कहां ले जा रही हो, वो बात नहीं है, पैसे हैं मेरे पास। अरे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो एक गीजर अपनी अम्मा जी के बाथरूम में भी फिट करवा दे और बहन का भी ख्याल रखियो। हाँ अम्मा तुमसे तो कुछ बात करना ही बेकार है। राम राम, अरे शुक्र है भगवान का जो ज्यादा चोट नहीं आई, जब से घर में आई है हाथ से पे हाथ से ही होते जा रहे हैं। हो रहा है या फिर कोई करवा रहा है? क्या कह रही है तू? अरे खुल के बोलना, कचर 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 कचर, कैसी की तरह जबान चलती है तेरी, खटिया डाल के बैठी है अपनी बहना के घर में, ना लाज ना शर्म, ऊपर से तेवर तो देखो। निधि सही कह रही है। हाय भैया, एक तो मेरा इकलौता बेटा जोरू का गुलाम और ऊपर से ये दो दो जादूगरनियां, खा जाएंगी मेरे बेटे को, जाने क्या क्या स्वांग रचती है ये। बस करो अम्मा, बहुत हुआ, गलती सारी मेरी थी कि जो मैं तुम्हारी नफरत मिटाने की कोशिश करता रहा, जिसकी शिकार हुई श्रीजा। अरे श्रीजा तुम्हें इतनी खटकती है कि तुम उसकी जान लेने पे उतारू हो गए, कैसी माँ हो। और दीदी आप, तुम कहना क्या चाहते हो, इन सब में हम दोनों का कसूर है? हाँ हमारा ही तो कसूर है, अरे हम लोग इसको इतना प्यार जो करते हैं। रहने दो माँ, तुम्हारी नफरत झेलने से तो अच्छा है कि हम लोग घर छोड़कर चले जाए हमेशा के लिए। हाँ हाँ लल्ला, बहुत बड़ा हो गया ना तू, तो कर अपनी मनमानी, पर ना तुझे जाने की जरूरत नहीं है इस घर से, हम माँ बेटी ही चली जाएंगी। आ चले छोड़ी। एक मिनट, कोई कहीं भी नहीं जाएगा, अब दो दिन बाद जीजू के पिताजी की बरसी है और आप लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, एक बार भी सोचा आप लोगों ने कि पूर्वजों की आत्मा को कितनी तकलीफ होगी? कम से कम बरसी तक तो रुक जाइए। फाइन, लेकिन रहेंगे अलग ही, मैं श्रीजा की जान और खतरे में नहीं डाल सकता। तो दूर ही रहते हैं बेटा, जैसा तू चाहे। ठीक है, आप लोग तो जिद पे अड़े, अलग अलग रहेंगे लेकिन एक ही घर में। तो बेटा ऐसा करेगा, हम तो सपने में भी नहीं सोची थी।
अम्मा अब शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। अम्मा संभालिए अपने आप को, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अम्मा के प्यार, विश्वास और त्याग की लोग मिसालें दिया करते हैं। कई मिसालें हैं जहां बहन ने अपनी बहन के लिए जान तक दे दी, और यहां एक बहन अपनी बहन की जान लेने पे उतारू थी। जिस बहन पे श्रीजा को सबसे ज्यादा भरोसा था, जिसे वो अपना सहारा समझती थी, आज उसी ने उसके भरोसे का कत्ल कर दिया। कहीं श्रीजा का निधि के ऊपर विश्वास उसके लिए जानलेवा ना बन जाए। क्या हुआ अम्मा, लाने दो ना हमें थर्मामीटर, कितना तेज बुखार है आपको। ना ना जाएगी तो वहां, अरे मरने दे हमका, वहां नहीं जाएगी। अम्मा अब फिजूल की जिद पकड़ के बैठी है, किसी को कोई परवाह नहीं आपकी। क्या हुआ अम्मा को? देखो ना शैलेश, बदन तप रहा है बुखार में, लेकिन थर्मामीटर लाने नहीं दे रही है, क्योंकि थर्मामीटर तुम्हारे यहाँ है ना। काय बता रही हो उसको, इका कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा क्या है ये, क्या बचपना लगा रखा है? तुम रुको, मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ। थर्मामीटर के बदले बहुत तेज है ना। अम्मा अम्मा दवाई खाओ। अम्मा हम लोगों के अलग होने के चक्कर में अपनी तबीयत खराब मत करो, तुम्हें पता है ना तुम सबसे कीमती हो मेरे लिए, पता है ना तुमको ये? बोलते ही हो तुम बचवा, दिखता तो नहीं है, नहीं अम्मा जी पे भी भरोसा उठ गया ना तुम्हारा। मत छोड़ो ना अभी ये सब बातें। बचवा तेरे बाबूजी की सौगंध हमने कछु नहीं किया, हमरा कौनो हाथ नहीं है। मैं तुम आराम करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर बाबूजी की बरसी है ना, और तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना है, तुम आराम करो। बाबा कुछ हाथ लगाना। निधि, अरे अरे यार आप लोग क्यों आ गए? आप जाके रेस्ट कीजिए, चलो चलो। सब्जी को मैं चौक लगा देती हूँ। अरे नहीं अम्मा, आप जाके रेस्ट कीजिए, जाओ 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 जाओ। और लिम्मा दी, आप जाके मैट पे चाहिए ब्राह्मणों को बिठाई, बस खाना ऑलमोस्ट रेडी है, जाओ जाओ प्लीज जल्दी जाओ, मैं करती हूँ। बेटा चौक मैं लगा देती हूँ। अरे अम्मा जी आप जाइए, मैं कर लूंगी, आप जाइए जाइए, आप जाइए मैं कर लूंगी। आप आराम। अच्छा अच्छा। दीदी हलवे में इलायची तो डालो, आप क्या कर रही है? Thank you.
आज इस खेल का आखिरी दिन है, मेरा मकसद आज पूरा हो जाएगा। ये लीजिए, बहुत मीठी है। नहीं, खाना तो पड़ेगा। ये जो आपको तो दो चम्मच मिलने वाले हैं। सुबह से काम किए जा रही है, मुझे भी तो कुछ करने दे। नहीं दीदी, ला ये मुझे दे। नहीं, मैं करूंगी। नहीं, 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 आज तो मेरे हाथों से आप लोगों को खाना पड़ेगा। अरे बेटा, अब तू आराम कर। वैसे भी सब कुछ तूने ही तो किया है। सच, मैंने तुझे समझने में बहुत भूल की। ये तो सच है अम्मा, आज निधि के बदौलत सब कुछ अच्छे से हो गया। दीदी अब तू रेस्ट कर। नहीं दीदी, आपको पता है मैंने अपने पितृ देवताओं से मन्नत मांगी थी कि सबको खिलाने के बाद ही मैं खाऊंगी, ताकि इस घर में हमेशा शांति बनी रहे। और वैसे भी दीदी आपको पता है खाने का मजा ना खिलाने में आता है। बस बस बस, क्या कर रही है? ठीक है, हलवा बहुत अच्छा है ना? अच्छी बनाई है चोरी ने। बेचारे फंस गए सब। वैसे सुनो, तुम लोग मरोगे नहीं, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए हो। मरोगे तो तब तक नहीं जब तक मैं वो हासिल कर लूं जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूं, ताकि तब तक मुझे ना शांति चाहिए। इसीलिए सबके सब अभी आई। ओ जीजा जी, बहुत गलत समझा आपने मुझे। मैं इस घर को जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने आई हूँ। और तू बुढ़िया, बहुत शौक है ना तुझे चक्की पीसने और पिसवाने का? बहुत काम करवाया तूने मुझसे, अब तू जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगी। और तू अम्मा की चमची असिस्टेंट कहती थी मुझे, बहुत शौक है ना तुझे आग लगाने का? अब जा, तू भी जेल की भट्टी में चक्की पीसते रहना। बहन है मेरी, तुझे तो क्या बोलूं, लेकिन मेरा असली टारगेट तो तू ही है। तेरे लिए तो किया मैंने ये सब ड्रामा। मैं चाहती थी कि मैं तेरे साथ आऊं, तेरा खून करूं और तेरे खून के इल्जाम में इन सबको जेल भिजवाऊं। घर की इज्जत के बारे में फिक्र की तूने? सेल्फिश कहीं की? तेरा तो मर जाना ही अच्छा है, तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। अब मुझे तेरी परवाह है, इसीलिए बेहोशी की हालत में तुझे दर्द नहीं होगा जब तू अपनी आखिरी सांस ले रही होगी। शक तो उसी दिन हो गया था मुझे जब पंखे के नट बोल्ट तुम्हारे कमरे की ड्रॉअर से मिले थे, और उस दिन से तुम्हारी एक एक हरकत पे हम सब की नजर थी। और इसीलिए छोरी, तेरी बेहोशी की दवा की जगह हमने गंगा जल मिला दिया था। बाबे, अरे दुनिया तो हमने बहुत देखी पर तू तो हमको भी पीछे कर गई है। शर्म ना आती तुझे ये सब करते? और तुम्हारी बेचारी बहन, उसे तो यकीन ही नहीं हुआ था, आज उसने भी देख लिया तुम्हारा असली रंग। बचपन से खुद से ज्यादा मैंने तुझ पे विश्वास किया, तेरी हर खुशी का ख्याल रखा। तूने ये सलाह दिया मेरे प्यार और विश्वास का? छीन दे, घिन आती है मुझे तुझ पे। घिन आ रही है? अरे घिन तो मुझे और माँ पापा को आ रही है, तुझ पे। आज पूरी बरादरी में हमारी थू थू हो रही है, खुद घर तू तो भाग गई। क्या एक बार भी तूने सोचा हमारे लिए? और मम्मी पापा ने मुझे भेजा था तुझे मारने के लिए, समझी? घर की इज्जत तुझे अपनी बहन की जिंदगी से ज्यादा प्यारी हो गई? दीदी अपने आप को बहन मत कह, समझी? मर चुकी है तू हमारे लिए।
जो किया ना उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है, और अगर मौका मिला ना तो फिर से करूंगी, बार बार करूंगी, करती रहूंगी, समझी तू? हम तुझे मौका देंगे तब तो करेगी ना, हमें जेल भिजवाने वाली थी ना, अब तू जेल जाएगी, वो भी तेरे मम्मी पापा के साथ। चल छोड़ो मुझे, इसे पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। चल चलो छोड़ो मुझे, किस तरह के समाज में जी रहे हैं, जहां आज भी बहुत सारे लोगों के लिए उनकी जात बिरादरी हर चीज से ऊपर है, जहां जात बिरादरी के आगे ना तो उन्हें अपने परिवार की कदर है, ना रिश्तों की, ना ही किसी इंसान की। आज भी आए दिन कितने ही मासूम ऑनर किलिंग का शिकार हो रहे हैं। बात छोटी सी है कि प्यार से बड़ी समस्या मिनटों में हल की जा सकती है, लेकिन नफरत से हाथ आती है सिर्फ बर्बादी और पछतावा। ऑनर किलिंग हमारे देश का एक डरावना और कड़वा सच है, और हर साल तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लोग इसका शिकार होते हैं। ऐसी घटनाएं सिर्फ देश और समाज को ही नहीं, पूरी इंसानियत को शर्मसार करती है। सबसे दुख की बात तो ये है कि ये कातिल और कोई नहीं बल्कि परिवार वाले ही होते हैं, पर उनकी दकियानुसी सोच अपनों से ज्यादा, उनके साथ बिताए गए पलों से ज्यादा, रिश्तों से ज्यादा अहमियत रख लेती है। अपनों के वेश में इन दुश्मनों से रहिए वाकिफ, रहिए सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।